दोस्तों बीसीसीआई ने हाल ही में इंग्लैंड के दौरे पर खेले जाने वाले 7 अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए महिला क्रिकेट टीम की घोषणा की। बीसीसीआई ने तीनों फॉर्मेट के लिए जिस 21 सदस्यीय टीम की घोषणा की है उसमें झारखंड की इंद्राणी राय भी शामिल है। विकेटकीपर बल्लेबाज इंद्राणी को वनडे और टी20 में मौका दिया गया है। देश भर के कई खिलाड़ियों की तरह इंद्राणी भी दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी को अपना आदर्श मानती है। इंद्राणी को घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के कारण टीम में मौका दिया गया है। वह घरेलू मैच में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला बल्लेबाज थी। उन्होंने 8 मैच में 76 की औसत से सबसे ज्यादा 456 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने 2 शतक और 1 अर्धशतक लगाया। दोस्तों इंद्राणी और धोनी में काफी समानता है। दोनों ने ही रेलवे में नौकरी की है और फिर झारखंड की ओर से खेले और धोनी की तरह इंद्राणी भी विकेटकीपर बल्लेबाज है। इंद्राणी माही को अपना आदर्श मानती है और उनकी दी गई सलाह पर काम करते हुए ही टीम में जगह बना पाई है। इंद्राणी राय ने स्पोर्ट स्टार से बातचीत करते हुए कहा, पिछले साल रांची में ट्रेनिंग सेशन के दौरान मैं माही सर से मिली और हमारे बीच लंबी बातचीत हुई। उन्हें बताया कि कैसे मैं अपने खेल को सुधार सकती हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे अपने रिफ्लेक्स तेज करने चाहिए व 5 मिनट रेडियस में मूवमेंट अच्छा होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, विकेटकीपर के लिए यह महत्वपूर्ण चीज होती है और मुझे सलाह दी कि ऐसी कोशिश करोगी तो बेहतर होती जाओगी और इससे वाकई मुझे मदद मिली। माही सर जैसे दिग्गज से 1 या 2 चीजें सीख लेना सम्मान की बात है और उनकी सलाह वाकई मेरे काम आई और मेरे खेल में सुधार हुआ। हर बार जब मैं ग्राउंड पर जाती हूँ तो उसकी टिप्स याद रखती हूँ। दोस्तों इंद्राणी को महिला टीम का लेडी धोनी कहा जा रहा है क्योंकि उनके काफी चीजें धोनी से मेल खाती है। अब देखना है कि क्या वे माही जैसा प्रदर्शन कर पाती हैं या नहीं।